अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप खैरियत से होंगे उम्मीद है। पर यास्मीन और अमजद की लड़ाई हो चुकी है। यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, होती अब इनका आप देख रहे हैं जिनमें वीडियोस। कोई बातें नहीं होती, और मियाँ हाँ बीवी यास्मीन, होती तो है लड़ाई। कौन से ऐसे मियाँ बीवी हैं जिनमें लड़ाइयाँ नहीं हो। मेरा शोहर, मेरा अपना शोहर, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, वो फेम लेने के लिए इतना गिर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसको ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी उसका साथ नहीं दे सकता। उसने फेम के लिए मेरी जिंदगी को ब्रेकिंग न्यूज़ बना के आप लोगों के सामने पेश किया। जो टाइम मेरा था, वो सब लड़कों में बैठ के ब्लॉग बना के, यूट्यूब, टिकटॉक की वीडियोस बना के उसने दिखाई आप लोगों को। उसने अपना घर का नहीं सोचा। जो बंदा अपने घर का नहीं सोचता तो वो किसी का भी नहीं जी होता। व्यूअर्स, आप वॉच कर रहे हैं यास्मीन जिंदगी की बर्बाद वीडियो। करने जो वाली बुरा हाल है उनका, वो रो के आप देख सकते बेचारे, हैं। अब आप ही फैसला करें कौन सही है, कौन गलत है, वीडियो कहीं नहीं कौन लगाई, हक मेरे पर है, पास कुछ किसका है ही इंसाफ होना चाहिए। नहीं। मैं उसके बगैर एक मिनट भी नहीं रहती। हम कहीं भी जाते थे, साथ जाते थे, लेकिन उसको इतना ख्याल नहीं है कि 7-8 दिन गुजर गए हैं। मैं अपनी वाइफ से सॉरी कर लूँ अगर मेरी गलती है तो। उसने टिकटॉक पे और यूट्यूब पे जो भी सॉरी बोला है वो सिर्फ एक दिखावा है। मेरे पास पूरी चैट है, मेरे पास हर एक चीज है, मेरे पास प्रूफ है, मेरी गलती नहीं है। हमें आप लोगों को बता नहीं सक रही थी क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन उसने छोड़ा ही नहीं। टिकटॉक भी अपने पास सारे खोल लिए, उसके बाद उसने फौरन ही जो मेरा इंस्टाग्राम है वो भी अपने पास खोल लिया ताकि ये कुछ लगा ना पाए, ये कुछ बता ना पाए। और उसको पता है इन चीजों की मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं। जो यास्मीन ने फिर रोने धोने के बाद ये जो वीडियो बनाई है ये भी बहुत अच्छी लग रही है। अब इसीलिए अमजद ने तो उसको फोर्स नहीं किया होगा। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तो आप लोग ही करेंगे ना।